अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं एक बात में आपके खिदमत में हाजिर बी एस सी इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आज मामूल एक नए टॉपिक लेके आते हैं और आपके साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं और आपके साथ कुछ ना कुछ नया शेयर लेकर आते हैं और आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो इस तरह आपको ये मालूम है, कल जो हमने पढ़ा था वो था सब्जेक्ट को आगे कैसे चेंज करना है, तो वो जरा मैं रिवाइज कर लेता हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन को, इस रूल को आप एक्टिव और पैसिव वाइज को रिवाइज करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और लाइक करने के बाद इस वीडियो को शेयर कर लें ताकि इससे आपके दोस्त अहबाब भी फायदा उठा सकेंगे। तो कोशिश करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आखिर में एक हम लकी को ड्रा करेंगे तो हम एक इनाम देंगे, रिवार्ड देंगे उन स्टूडेंट्स को, उन हजरात को जो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं हमें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देते हैं। तो कोशिश कर लाइक ज़्यादा से ज़्यादा दिया करें और अपने क्वेश्चन ज़्यादा किया गया, जो लोग क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे तो उनके लिए हम इंशाल्लाह जो हमारा मुकम्मल कंप्लीट कोर्स है, विकेबलरी हो गई, डेली लाइफ कन्वर्सेशन हो गई, इस तरह एक्टिव वर्ड्स पेस हो गए, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, टेंसेस हो गए, ये जितने भी हमारा कोर्स है, कम से कम साल दो साल का कोर्स बनता है, तो ये सब सब कोर्स हम डीवीडी के फॉर्म में उन्हें दे देंगे और डीवीडी के साथ साथ उन्हें एक बुक भी मिल जाएगी जिस बुक में ये सब कुछ क्लियर लिखा होगा हमने। तो हम, मैं और मेरी टीम जो है, हम बैठकर कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर बुक्स तैयार कर सकें और आपको डिलीवर कर सकें। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन आपके जहन में राइज हो रहा है तो क्वेश्चन को जरूर आपने नीचे कमेंट में लिखा करें ताकि आपके क्वेश्चन के मुताबिक मैं कल आपके लिए वीडियो क्रिएट कर सकूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कितने टेंसेस चेंजेबल है, यानी कितने टेंसेस को हम चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव वाइज में। तो इसमें आपके लिए यह खुशखबरी भी है कि सिर्फ हम सिर्फ और सिर्फ 8 टेंसेस को चेंज कर सकते हैं और वो चेंज नहीं कर सकते। 8 टेंसेस कौन कौन से हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में? तो 8 टेंसेस जो हैं जिन्हें हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को हम चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट टेंस को क्या सबसे पहले, सेकंड नंबर पे आ रहा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या आप कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सेकंड पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा जो है वो है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते। 3 टेंसेस ये हो गए, इसके नीचे आते हैं, इसके बाद हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं। इसी के मुताबिक 4 नंबर पे जो आ रहा है वो है पास्ट पास्ट टेंस, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, पास्ट टेंस। और 5th नंबर पे जो आ रहा है वो है यही है, यहां प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, वहां पे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कर लें, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। और 6th नंबर पे जो आ रहा है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस 3 + 3 8 हो गए और इसी तरह सॉरी 3 + 3 6 और 7 नंबर पे जो आ रहा है वो है, वो कौन सा टेंस है जो हम 7 नंबर पे चेंज करेंगे? सबसे पहले प्रेजेंट को चेंज किया, फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को, फिर प्रेजेंट परफेक्ट को, फिर पास्ट को, पास्ट कंटिन्यूअस को, पास्ट परफेक्ट को, आप चेंज करेंगे फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर जिसे हम फ्यूचर इंडिफिनिट भी कहते हैं, फ्यूचर टेंस। और 2nd नंबर पे हम चेंज करेंगे
एट नंबर पे जो है जो हमारे साथ आ रहा है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स ये हो गए टेंसेस कि मैंने आपको बताया कि कितने टेंसेस चेंज करने हैं। इनमें से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये खुशखबरी है, आपके लिए ये खुशखबरी है आपकी, आप ये लकी बहुत ज्यादा लकी हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ 8 टेंसेस चेंजेबल है और चेंजेबल है नहीं। हाँ बाज़ का हम चेंज कर लेते हैं लेकिन वो चेंज मेजर टाइप वो चेंज हम नहीं करते, बिल्कुल चेंज नहीं करते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये 8 टेंसेस ऐसे हैं जिन्हें हम एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और सातवें नंबर पर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यही वो टेंसेस है जिन्हें हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो कल के लिए इंतजार में रहिए और कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, हाउ टू चेंज प्रेजेंट टेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। हम प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को हम एक्टिव में पैसिव में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। लेकिन सुनिए एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपको टेंसेस क्लियर हैं तो इजीली नो मैटर इट्स अफीस आपके फॉर यू, आपके लिए बिल्कुल अफीस आपके की इंतहाई आसान काम है। अगर आपको टेंसेस क्लियर नहीं है तो अभी जाकर प्लेलिस्ट में मेरे पूरी वीडियोस मौजूद हैं, पूरी टेंसेस 12 टेंसेस मैंने उस दिन भी वीडियो आपको बनाई थी जो कि पूरी 12 टेंसेस मैंने एक वीडियो में क्लियर किया था आपके लिए। तो वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो पर क्लिक कर लें या अभी यूट्यूब पर या गूगल पर आप गूगल कर लें, वहां पे 12 टेंसेस बाय वलीदात वहाँ पे आ जाएगा, टॉप पे मेरा नाम आ जाएगा, मेरी वीडियो आ जाएगी, आप उसी वीडियो को देखकर आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। क्योंकि जब आपको टेंसेस नहीं आएंगे तो आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए टेंसेस बुनियादी हैं, फाउंडेशन है आपकी, आपको बुनियाद है। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो बहुत अच्छा, अगर टेंसेस नहीं आते तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस को, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस को, आज की इतनी काफ़ी है, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वाले के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।